hello and welcome to my youtube channel excellence learning in today's video lecture we will discuss one of the most important theorem on compact operators that the set of all eigenvalues of a compact linear operator always forms a countable set before the proof of main theorem we will discuss this lemma statement of lemma being eigenvectors x1 x2 xn corresponding to distinct eigenvalues lambda 1 lambda 2 lambda n of a linear operator t ऑन अ वैक्टर स्पेस इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट जो भी आइगन वैक्टर्स होते हैं कुछ आइगन वैल्यूज लैम दू लेन के कॉरिस्पोंडिंग जितने भी आइगन वैक्टर्स होते हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं फॉर प्रूफ स्पोज दीज वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर और डिपेंडेंट वैक्टर्स का अगर हमारे पास सेट हो मान लीजिए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि इनमें से ही कोई एक वेक्टर को हम इसके जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स होंगे जितने भी इसके पीछे वाले वेक्टर होंगे उनके लीनियर कम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं सो वी कैन राइट एक्स एम इक्वल्स टू अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस सो ऑन अल्फा एम माइनस वन एक्स एम माइनस वन गिव इट नंबर वन और ये सारे वैक्टर एक्स वन एक्स टू एक्स एम माइनस वन ये सारे इंडिपेंडेंट वैक्टर्स होंगे इक्वेशन नंबर वन के दोनों साइड्स को हम ऑपरेट करेंगे टी माइनस लैमडा एम आई के साथ टी माइनस लैमडा एम आई एक्स एम इक्व टू टी माइनस लैमडा एम आई दिस होल कम्बिनेशन अब टी माइनस लैमडा एम आई हम सेपरेटली हर एक एलिमेंट पे लगाएंगे अल्फा वन अल्फ़ा टू अल्फा एम माइनस वन ये सारे स्केलर्स हैं सारे बाहर आ जाएंगे इस इसको हम सुमेशन के फॉर्म में राइट करेंगे सुमेशन जे फ्रॉम वन टू एम माइनस वन अल्फा जे टी माइनस लैमडा एम आई एक्स जे एक्स जो अंदर लेकर के जाएंगे टी एक्स जे माइनस लैमडा एम एक्स जे टी एक्स जे विल बी इक्वल टू लैमडा जे एक्स जे क्योंकि टी क्या है ऑपरेटर और एक्स जे सारे क्या है आइगन वैक्टर और लैमडा जे आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यू लैमडा के लिए अगर एक्स कोई आइगन वैक्टर हो हमारे पास और x के कोर्रेस्पोंडिंग हमारे पास अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू हो तो T x equals to लैम्बडा x होता है इसको यूज़ करके हमने ऐसे राइट कर दिया अब इसमें से x जो दोबारा कॉमन लेंगे हमारे पास आ गया सम्मेशन फ्रॉम j equals टू one to m minus one अल्फा j लैम्बडा j minus x m x j और ये सारे जो वेक्टर्स थे X1, x one x two x m minus one ये सारे तो इंडिपेंडेंट थे और ये सारा लीनियर कम्बिनेशन है एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एम माइनस वन वैक्टर्स का जो सारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इन वैक्टर के साथ जो भी स्केलर लगा हुआ है वो स्केलर सारे जीरो आएंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो वैक्टर या एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एम ये सारे वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इनका जो भी लीनियर कम्बिनेशन हम राइट करेंगे अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस सो ऑन अल्फ़ा एम एक्स एम इक्वल टू जीरो इसके जो सारे स्केलर हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम ये सारे के आएंगे जीरो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट So, ये सारे स्केलर के आगे हमारे पास जीरो अब अब जे वेरी कर रहा है फ्रॉम वन टू एम माइनस वन यानी कि इसकी वैल्यू वैल्यूमडा टू लैमडा एम माइनस वन तक होगी और ये लैमडा एम है ये सारे के सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टिंग एम तो इनके सब्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं आ सकती बिकॉज लैमडा एम नॉट इक्वल टू लैमडा जे फॉर जे फ्रॉम वन टू एम माइनस वन अगर ये जीरो नहीं है तो इस चीज को जीरो होना पड़ेगा ये वाले सुमेशन को जीरो होना पड़ेगा सो सुमेशन अल्फा जे इक्व टू तो जीरो इसका मतलब कि जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एम माइनस वन ये सारे ज़ीरो आ गए क्योंकि इनका सोमेशन तभी ज़ीरो हो सकता है अगर ये सारे खुद जीरो हों तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फा एम माइनस वन सारे ज़ीरो आ गए अगर ये सारे ज़ीरो हैं तो एक्स एम में ज़ीरो हो गया हमारा बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सारे के सारे आइगन वैक्टर हमेशा नॉन जीरो होते हैं एक्स हमारा आइगन वैक्टर था ये भी नॉन जीरो होगा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यानी कि जो हम मान के चले थे कि एक्स वन एक्स टू एक्स एक्सएम लिनियरली डिपेंडेंट सेट है वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है इनडिपेंडेंट सेट इस लैमा को अब हम यूज करेंगे हमारी मेन थेम के प्रूफ के लिए स्टेटमेंट ऑफ मेन इज द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम एक्स 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 टू वेयर इज इज स्पेस ऑलवेज काउंटेबल और वी कैन से एट एट मोस्ट मोस्ट का मतलब है कि ये सेट ऑफ आइगन वैल्यूज जो आइगन वैल्यूज का सेट है वो ज्यादा से ज्यादा एम्पटी हो सकता है और अगर उसमें कुछ पॉइंट्स हैं अगर उसमें कुछ वैल्यूज हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज एक काउंटेबल सेट ही ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे वो सेट अनकाउंटेबल नहीं हो सकता

let the corresponding eigenvectors be x1 x2 so on xn and so on since these eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues are linearly independent यही हमने लैमा में प्रूव किया था कि ये आइगन वेक्टर्स का सेट क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा सो द सीक्वेंस एक्स एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस लेट एम एन बी ए स्पेस जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन एम एन हम मान लेते हैं कि एक स्पेस है जो जनरेट हो रही है एक्स वन एक्स टू एक्स एन से फॉर एनी एन एम एन माइनसली कंटेन हाँ एम एन माइनस लेंगे वो प्रॉपरली कंटेन होगा एम एन मेंज एम एन माइनस वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एम एन ऑल्सो एम एन माइनस वन बींगाइट डायमेंशनल इज कम्प्लीट फाइनाइट डायमेंशनल है ये ये सेट फाइनाइट डायमेंशनल होने के कारण कंप्लीट होगा एंड एवरी कम्प्लीट से अब हम यहाँ पर रीज लेमा का यूज़ करेंगे ये हमने लेक्चर नंबर फोरटीन में इसका प्रूफ भी किया है इसकी स्टेटमेंट भी समझी हुई है एक बार फिर से अब हम स्टेटमेंट देखेंगे रीज लेमा की इसके अकॉर्डिंग लेट वाई बी अ प्रॉपर क्लोज लीनियर सब्सपेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एक्स वाई एक प्रॉपर सबस्पेस है एक्स की और साथ में वाई प्रॉपर क्लोज्ड सब्स्पेस है एक्स की क्लोज भी होनी चाहिए प्रॉपर भी होनी चाहिए सब स्पेस एक्स की और आर अगर कोई नंबर रियल नंबर है हमारे पास सच दैट आर इज फ्रॉम ज़ीरो टू वन आर किस में लाई कर रहा है जीरो से लेके वन तक तो हमारे पास एक एलिमेंट एक्स एन एग्जिस्ट करेगा एक्स में हमें इसमें से एक एलिमेंट एक्स एन मिलेगा जिसकी नॉम होनी चाहिए वन और इस एलिमेंट का डिस्टेंस y से y का मतलब ये जो प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस थी उसके हर एक एलिमेंट से उस सारे के सारे सेट से उसका डिस्टेंस क्या आना चाहिए लेस देन इक्व टू वन एंड ग्रेटर देन दिस r r जीरो से वन तक कोई एलिमेंट है इस डिस्टेंस को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं नॉम x एंड कॉमा वाई लेस देन इक्व टू वन ग्रेटर देन r और वी कैन राइट हेयर स्मॉल y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल y इस थ्योरम का इस लेमा का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे यहाँ हमारे पास एम एन एक्स का काम कर रही है और एम एन माइनस वन वाई का काम कर रही है ये प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस है एम एन की तो हमारे पास एक एलिमेंट x में से लेना है हमने वो एलिमेंट यहाँ पर हम m में से लेंगे सो y n एक एलिमेंट मिलेगा कैपिटल m में से सच दैट इसकी नॉर्म के आनी चाहिए इक्वल टू वन और इस y n एलिमेंट का डिस्टेंस एम एन माइनस वन के हर एक एलिमेंट से वो एलिमेंट एक्स मान लेते हैं वाई एन माइनस एक्स नॉम यानी कि इसका इसके साथ डिस्टेंस क्या आना चाहिए आर और वन के बीच और आर क्या है हमारे पास जीरो से लेके वन तक कोई वैल्यू यहाँ पर हमने आर पर्टिकुलर वन बाई टू लिया है सो दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन वन बाई टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम एन माइनस वन मार्केट नंबर वन नो लेट एक्स बिलोंग्स टू एम एन बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एम एन के थे हमारे पास स्पेस जनरेटेड बाई एक्स वन एक्स टू एक्स एन तो एक्स एलिमेंट को हम एक्स वन एक्स टू एक्स एन के लिनियर कम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं सो एक्स इक्व टू सुमेशन फ्रॉम आई वन टू एन अल्फा आई एक्स आई दोनों तरफ टी लेंगे अल्फा आई स्केलर बाहर लेंगे सुमेशन आई फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई टी एक्स आई की वैल्यू लैमडाई एक्स आई गिव नंबर टू ना कंसिडर लैमडा एन एक्स माइनस टी एक्स विच इज इक्वल टू लेमडा ऐसी राइट करेंगे x की वैल्यू ऊपर से हम यहाँ राइट करेंगे माइनस टी एक्स की ये वाली वैल्यू नंबर टू से राइट करेंगे अल्फा आई दोनों में से कॉमन सुम्यूशन भी कॉमन लेंगे अल्फा एन माइनस लैमडा आई एक्स आई अब अगर आई की वैल्यू वन से एन तक वेरी कराएंगे जब एन हम वैल्यू लेंगे आई की लैमडा एन माइनस लैमडा एन जीरो हो जाएगा तो एन की तो कोई वैल्यू नहीं कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं यहाँ पर तो हम क्या लेंगे यहाँ पर आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन अल्फा आई लैमडा एन माइनस लैमदा आई एक्स आई और लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास लैमडा एन एक्स माइनस टी एक्स यहाँ पर राइट हैंड साइड किसको बिलोंग कर रही है एम एन माइनस वन को क्यों क्योंकि आई की वैल्यू वन से एन माइनस वन तक वेरी कर रही है सो दिस होल एलिमेंट बिलोंग्स टू एम एन माइनस वन एक्स कॉमन लेंगे lambda एन माइनस टी एक्स बिलोंग्स टू एम एन माइनस वन वियर एक्स किसका एलिमेंट था एम एन का एलिमेंट सो वी कैन राइट lambda एन माइनस टी एम एन सबसेट ऑफ एन एम एन माइनस वन देट इज इफ एक्स बिलोंग्स टू एम एन एक्स अगर एम एन का एलिमेंट है तो ये एलिमेंट किसका होगा एम एन माइनस वन का होगा इट नंबर थ्री नो फॉर एनी एम फ्रॉम वन टू एन वन से लेके एन से लेस रखना है यानी कि एम की, की वैल्यू जो है हमने वन से लेके n एन माइनस वन तक लेनी है उसके लिए एक z एलिमेंट कंसीडर करते हैं लेमडा एन माइनस टी वाई एन प्लस टी वाई एम गिविट नंबर फोर इसमें वाला element है, ये ये वाला एलिमेंट है लेमडा एन माइनस टी वाई एन ये एलिमेंट एम एन माइनस वन का है फ्रॉम नंबर थ्री नंबर थ्री से ये एलिमेंट किसका आएगा एम एन माइनस वन और ये एलिमेंट टी वाई एम ये भी किसका है एम एन माइनस वन का ही एलिमेंट है क्योंकि एम की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है वन से लेके एन माइनस वन तक तो ये जेड सारे का सारा किसका एलिमेंट है एम एन माइनस वन का ई करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज करके सब स्पेस की वो एलिमेंट भी एम एन माइनस वन में जाएगा सो लेमडा इन वर्स जेड बिलोंग टू एम एन माइनस वन नो फ्रॉम फोर फोर अब इक्वेशन नंबर फोर में जेड इक्वल टू लेमडा एन माइनस टी वाई एन प्लस टी वाई एम था टी वाई एन इस तरफ लेकर के जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा ये सिर्फ जाके नेगेटिव और जेड को इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा इसको रीअरेंज करके इसके टर्म्स को हम यहाँ से राइट करेंगे टी वाई एन माइनस टी वाई एम इक्वल टू लेमडेन वाई एन माइनस जेड यहाँ से अगर लैमडा कॉमन लेंगे लेमडेन इसमें से कॉमन आएगा वाई एन बचेगा यहाँ से z के पास लैमडाइन नहीं है तो लैमडाइन इनवर्स लगाना पड़ेगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो z ही बचेगा हमारे पास अब दोनों तरफ नॉम लेंगे नॉम टी वाई एन माइनस टी वाई एम इक्वल टू नॉम नॉम लेमड वाई एन माइनस लैमडाइन इनवर्स जेड लैमडाइन स्केलर स्केलर नॉर्म से बाहर आता है तो मॉड होकर के आता है एंड यूजिंग नंबर वन नंबर वन इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर ये चीज़ क्या आएगी ग्रेटर देन वन बाई टू क्योंकि नंबर वन में वाई एन माइनस एक्स की नॉम ग्रेटर देन वन बाई टू है अगर ये एलिमेंट एम एन माइनस वन से हो यहाँ पर वाई एन माइनस लेमडाइन इनवर्स जेड की नॉम ग्रेटर देन वन बाई टू आएगी क्योंकि ये एलिमेंट हम प्रूव कर चुके हैं कि एम एन माइनस वन का एलिमेंट है एंड ऑल्सो लेमडन किसका एलिमेंट है पी एफ एफ साइलन का और उस सेट में वही सारे एलिमेंट है जिनका मॉड Greater than epsilon s so this will be greater than epsilon. So so whole this thing will become greater than epsilon by 2 from equation number 5. Non TYN minus TYM is greater than epsilon by 2. So this is not convergent sequence. That is it contain दैट इज़ इट कैनॉट कंटेन कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस फॉर बाउंडेड सिक्वेंस वाई एन वाई एन की नॉम वन वन के इक्वल है इसीलिए इसको बाउंडेड बोला गया तो बाउंडेड सीक्वेंस वाई एन के लिए इसको कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस नहीं मिलेगी क्योंकि अगर ये खुद कन्वर्जेंट नहीं इसके पास कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस भी नहीं आएगी और टी ऑपरेटर की जो कॉम्पैक्टनेस है उसकी डेफिनेशन से ये चीज़ बताती है कि टी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर नहीं है लेकिन टी तो गिवन है कि कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग सो फॉर एनी एनील ग्रेटर देन पी एफ आइगन वैल्यूज का ही सेट है कॉम्पैक्ट ऑपरेटर टी के लिए सो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर टी इज एट मोस्ट काउंटेबल ये काउंटेबल सेट ही आ सकता है या तो काउंटेबल होगा या ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल होगा ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल एट मोस्ट काउंटेबल का मतलब है कि या तो ये सेट फाइव होगा कुछ होगा ही नहीं इसमें कोई एलिमेंट और अगर कुछ एलिमेंट्स होंगे तो काउंटेबल कलेक्शन ही बनाएंगे किसी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर के लिए जितने भी आइगन वैल्यूज आती हैं उन आइगन वैल्यू से मिलकर के जो भी सीक्वेंस बनती है lambda and, वो सीक्वेंस हमेशा जीरो को कन्वर्ज करती है तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट होता है इसका मतलब जितने भी आइगन वैल्यूज हैं उस सेट के लिए जो भी अकॉम्बिनेशन पॉइंट आएगा लिमिट पॉइंट आएगा वो जीरो ही आ सकता है नॉन जीरो कभी नहीं आएगा सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ दिस इंपॉर्टेंट थियारम If you like my way of teaching, then please like, share, and subscribe to my channel. And thank you for watching.